हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद लक्ष्य अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। 10 मिनट पावर बूस्टर की पार्ट सीरीज़ का ये हमारा आज का तीसरा पार्ट है और पार्टनरशिप का ये दूसरा पार्ट है। अगर पहले पार्टनरशिप के पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख लें, जिसमें हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था, किस बिजनेस में कितने कितने मेंबर होते हैं और इस पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाया होता है, और पार्टनर और आपस में पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में भी बात किया गया था कि वो रिटेन होता है, ओरल होता है तो क्या होता है, और इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी बात हुई थी, मीन्स जिसमें हम लोग पार्टनर ने डीड नहीं बनाया हो, यानी कि रिटेन ना होकर के ओरल उन्होंने एग्रीमेंट किया हो उस कंडीशन में, और पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो एक बार जाके उसे देख लें आप, उसके बाद इसे देखें ताकि आपके लिए ईजी हो और आगे आपको हेल्प हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट या डीड बिटवीन द पार्टनर्स। कहने का मतलब है, जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट मौजूद नहीं हो, यानी कि जो पार्टनर के बीच एग्रीमेंट है वो मौजूद नहीं है, मतलब ये हो सकता है कि ओरल होगा, अगर रिटेन होगा तो डीड कहलाएगा, मीन्स यहाँ पर ओरल है तो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन एडवांस वो कितने परसेंट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो 6% होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन एडवांस वो कितने परसेंट होगा, 6% होगा इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि डीड जब मौजूद नहीं हो तब। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट मेंशन। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्रीमेंट में यानी कि डीड में लिखा हुआ है कि हमें उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, बट ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना है या कितने परसेंट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कितने परसेंट लेंगे, 6% का उन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा पर एनम के अकॉर्डिंग में। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। वैसे कंडीशन में कितने परसेंट इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा, 6% किया जाएगा, और ये किसके तहत होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल अकाउंट इज अफेक्टेड बाई, यानी कि कैपिटल अकाउंट किस से अफेक्टेड होता है, मतलब जो भी हम कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो अकाउंट में जब हम सारे आइटम्स लाते हैं वो किससे अफेक्टेड होते हैं, वो कैसे नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के भी होते हैं और रेवेन्यू नेचर्स के भी होते हैं। कैपिटल नेचर वो नेचर होता है जिसमें हम कोई भी अमाउंट या वैसे ट्रांजेक्शन जिसका इफेक्ट लंबे साल तक होगा, यानी कि 1 साल से अधिक के लिए हो, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए हो, बट रेवेन्यू नेचर क्या होता है, जिसका इम्पैक्ट केवल 1 साल के लिए पड़ता हो, ठीक है, वो क्या होता है, रेवेन्यू नेचर, और कैपिटल नेचर जिसका यूज लंबे समय तक हो। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, ऑल पार्टनर्स कैन नॉट बी गारंटीड और गारंटर। यानी कि अपने पार्टनरशिप में ये पढ़ा होगा कि कुछ पार्टनर को क्या दिया जाता है, गारंटी दिया जाता है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट इतना होगा, एक हम क्या करते हैं, लिमिट प्रॉफिट बांध देते हैं। फॉर एग्जांपल, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए बी और सी मान लीजिए पार्टनर है, सी को क्या मिलता है कि एक गारंटी मिलता है कि आपको किसी भी साल कम से कम 10,000 रुपया मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, अगर उससे कम होता है तो उसका भरपाई कौन करेगा, ए और बी मिलके करेगा। क्लियर है, ये क्या होती है, गारंटी होती है, यानी कि गारंटी किसको मिला, यहाँ पर सी को क्या मिल रहा है, गारंटी मिल रहा है, और यहाँ पर गारंटर कौन मिल रहा है, ए और बी। तो यहाँ इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि सारे पार्टनर यानी कि ए बी और सी ना कभी गारंटर हो सकते हैं और ना कभी गारंटीड हो सकते हैं, मतलब तीनों को गारंटी मिलना पॉसिबल नहीं है और तीनों का गारंटर होना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी एक बंदे का गारंटी होना जरूरी है और दूसरे का गारंटर होना जरूरी है। आई होप समझ में आ रहा हो, यानी कि यहाँ पर इस केस में देखें तो यहाँ पर सी को क्या मिली है, गारंटी मिली है, जिसकी भरपाई कौन करेगा, ए और बी मिलेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये तीनों पार्टनर को गारंटी मिल जाए तो इनकी भरपाई कौन करेगा। ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता, उसका रीज़न समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ए बी सी और तीनों को हम बोल देते हैं कि भाई आप तीनों को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है,
बट इन केस बिजनेस में अगर लॉस हो गई तो उनकी गारंटी को पे कौन करेगा, ठीक है। इसलिए कंडीशन क्या है कि तीनों गारंटीर ना हो सकते हैं और ना ही गारंटर हो सकते हैं। क्लियर है जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा हो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें अलग अलग आपके इंटरेस्ट ऑफ रेट है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। और देखिए मैंने एक चार्ट में ही आपके लिए सारे के सारे बना के रखे हुए हैं, जिससे आपको देखने में भी आसानी हो और समझ में भी आसान से आए। देखिए आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में याद करने के लिए आसानी हो। और इसमें जितने भी केसेस हैं मैंने उनको सबको एक ही जगह ला के रखा है, टोटल 7 या 8 केस बनते हैं, ठीक है, वो सारे को ला के रखें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो होता है, सपोज़ ए बी सी और बिजनेस में पार्टनर हैं, ए और बी सी ने अपना कैपिटल लगाया और उसके एवज में क्या लेते हैं, वो बिजनेस से कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। उसी तरह से वो बिजनेस से कुछ पैसा अपने लिए यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं, तो बिजनेस क्या करती है उन पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है। तो ये जो वो पैसे निकालते हैं, ये निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हो सकता है वो हर मंथ में निकाले, हो सकता है वो क्वार्टरली मंथ में निकाले, मंथ में भी जरूरी नहीं है कि वो मंथ में कब निकाले, मंथ में हो सकता है कभी फर्स्ट मंथ में महीने तारीख के निकाल ले, कभी मिडिल में निकाल ले और कभी एंड में निकाल ले। जब उसी तरह से क्वार्टरली की बात करें तो हो सकता है क्वार्टर के वो फर्स्ट तारीख में निकाले, कभी बीच में निकाले, कभी एंड में निकाले। तो ये निकालने के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं और इनका कैलकुलेशन भी अलग अलग होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, ठीक है। और इनके जो अमाउंट का जो कैलकुलेशन करते हैं वो तो इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग होगा, वो तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, या तो डीड में मेंशन होगा, नहीं तो 6% तो होगा ही होगा, ये सारी चीज़ होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग वहाँ पर एवरेज ऑफ पीरियड निकालते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एवरेज ऑफ पीरियड क्या होगा, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला केस क्या बोलता है, वर द डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, मतलब वो पैसे कभी भी निकाल लेते हैं, ठीक है, डेट गिवन नहीं है, आज 1 तारीख को निकाले, जनवरी में उन्होंने 1 तारीख को निकाला, फरवरी में उन्होंने 20 तारीख को निकाला, मार्च में उन्होंने 20 को निकाल लिया, मतलब जब मन किया तब पैसे निकाल लेते हैं हर मंथ में, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, एवरेज ऑफ पीरियड क्या होगा, 6 मंथ का। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या बोलता है, वेयर अ फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉ ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, यानी कि वो क्या कर रहा है, हर महीने की पहली तारीख को फिक्स अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को जब वो पैसा निकालेगा। तो यहाँ जो एवरेज पीरियड होगा वो मंथ का क्या हो जाएगा, 6.5, 6.5 मंथ क्या होगा हमारा, एवरेज पीरियड होगा। उसी तरह से अगर वो का पैसा निकाले मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को, यानी कि महीने के बीच में वो पैसा निकाल रहा है, तो क्या लेंगे हम लोग, 6 लेंगे, एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर लास्ट ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के लास्ट में पैसा निकाले, तो क्या हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.5 होगा, वो भी एवरेज मंथ। क्लियर है, महीने की पहली तारीख को निकालेगा तो 6.5, महीने के बीच में निकाले तो 6, महीने के लास्ट में निकाले तो 5.5। क्लियर है, आगे देखते हैं, व्हेन द फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, यानी कि वो पैसे कब निकाल रहे हैं, हर महीने के हर बिगिनिंग क्वार्टर में, यानी कि टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 3 महीने का 1 क्वार्टर बनता है, ठीक है, तो टोटल कितने क्वार्टर बने, इस तरह से हमारा 4 क्वार्टर बन गए। तो हर क्वार्टर के क्या कर रहा है, वो पहले महीने में निकाल रहा है, ठीक है। तो अगर वो पहले महीने में निकालेगा, ठीक है, देखिए हिसाब से बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के पहले में निकाल रहा है, तो कितना परसेंट निकालेंगे, यहाँ पर जो एवरेज होगा वो क्या होगा हमारा, 7.5 का एवरेज होगा। उसी तरह से अगर वो मिडिल क्वार्टर में पैसे निकालेगा तो 6 का एवरेज होगा, और एंड क्वार्टर में निकालेगा तो क्या होगा, 4.5 होगा। ये तो थे बेसिक तरीके जो आपको समझ में आए, अब मैं आपको बताता हूँ ईजी ट्रिक जिससे आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए एक बार एक चीज़ ध्यान दीजिए, जितनी भी मिडिल का मैंने बात की, मिडिल निकालने का मंथ का हो या क्वार्टर का बात हो, सॉरी चाहे वो क्वार्टर का बात हो रहा हो, ठीक है, दोनों में कितना है, 6 है, और साथ में इसमें डेट गिवन नहीं है, वो भी क्या है हमारा, 6 है। तो 6 एवरेज ऑफ 6 मंथ कब लेंगे हम लोग, जब डेट गिवन नहीं हो, यानी कि सर्टेन पीरियड ना हो, सर्टेन वे ना हो निकालने का, या फिर
मिडिल ऑफ द मंथ हो या मिडिल ऑफ द क्वार्टर हो, इसमें क्या लेंगे हम लोग, 6 का एवरेज लेके चलेंगे। उसी तरह से जब हम बिगनिंग का बात करेंगे, जब बिगनिंग की बात कर रहे हैं और जो एंड में बात कर रहे हैं, देखिए बिगनिंग हमेशा ज़्यादा है एंड से, ठीक है। बिगनिंग क्या है, हमेशा ज़्यादा है, देख लीजिए, बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ और बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर और बिगनिंग और लास्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है हमारा, जब हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डेट में निकाल रहे हैं तो 6:30, एंड में निकाल रहे हैं तो 5:30, यानी कि एक कम हो जा रहा है। उसी तरह से जब हम लोग क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट क्वार्टर में तो 7:30 और जब एंड क्वार्टर में निकाल रहे हैं तो 6:30। आई होप क्लियर हुआ हो और आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसमें हम लोग देखते हैं पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए बेसिकली पार्टनर 5-6 तरह के होते हैं, ठीक है। मैं इसमें आपके साथ 5 डिस्कस करूंगा और वो 5ों जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूअसली आते हैं, और सबके डिफरेंट डिफरेंट नेम भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और वो कैसे पहचानने हैं एग्जाम में, किस तरह से वो डिस्कस होंगे, चलिए वो भी देखते हैं। चलिए पहले टाइप देखते हैं, जिसमें है एक्टिव पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर या वर्किंग पार्टनर। ये तीनों सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। चाहे हम एक्टिव के बारे में बात करें, मैनेजिंग के बारे में बात करें, चाहे वर्किंग के बारे में बात करें, ये तीनों क्या होते हैं हमारे, सिमिलर होते हैं, ठीक है। इनके डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोलता है, अ पर्सन हु टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी कि वैसा बंदा जो पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिव इंटरेस्ट भी लेता हो और जो बिजनेस को चलाता हो और उसके मैनेजमेंट को संभालता हो, वो क्या कहलाता है हमारा, एक्टिव पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर या फिर वर्किंग पार्टनर। ये सारे नाम याद रखिए, तीनों नाम एक ही बंदे के हैं, तीनों एक ही टाइप के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर या इनएक्टिव पार्टनर। ये तीनों भी सिमिलर होते हैं, स्लीपिंग बोलिए, डोरमेंट बोलिए या फिर इनएक्टिव बोलिए, ये तीनों एक ही नाम के होते हैं। और क्या इनकी खासियत होती है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन दी मैनेजमेंट, यानी कि ये मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, सच अ पार्टनर ओनली कंट्रीब्यूट द शेयर ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कि ये क्या करते हैं, केवल कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं अपना फर्म में और प्रॉफिट लेते हैं, बट किसी तरह का कोई भी पार्टनर ये एक्टिव नहीं होते, यानी कि मैनेजमेंट में इनकी दखल अंदाजी नहीं होती है, ये बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर या इनएक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट पार्टनर देखते हैं जो होता है नॉमिनल या ऑस्टेंशनेबल, ठीक है, ये भी दो नाम से जाना जाता है। क्या होता है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं हमारा, ठीक है। He only lend his name of the firm without any capital contribution and does not share the profit of the business. यानी कि वैसे बंदे जो बिजनेस को अपना नाम देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, अपना नाम देते हैं, बट किसी भी तरह का कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और किसी तरह का कोई भी प्रॉफिट बिजनेस से नहीं लेते हैं। ऐसे पार्टनर क्या कहलाते हैं, नॉमिनल पार्टनर, यानी कि नाम मात्र के पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट पार्टनर का टाइप है हमारा स्टोपल पार्टनर, होल्डिंग पार्टनर या डिस्पोजल पार्टनर, ठीक है। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लगभग लगभग जितने एग्जाम्स हैं ना, ये सभी में आपके पार्टनर्स के टाइप पूछ लेते हैं और कितने कितने होते हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, होल्डिंग पार्टनर क्या होता है। इफ अ पर्सन बाई हीज वर्ड्स और कंडक्ट होल्ड आउट अनदर दैट ही इज अ पार्टनर, क्या बोलता है, इफ़ अ पर्सन, कोई बंदा यदि किसी अदर बंदे को यानी कि थर्ड पार्टी को ये दर्शाता है, किस तरह से, अपनी बातों से, अपने वक्तव्य से, अपने आचरण से, किसी भी कंडीशन से ये दर्शाता है कि हाँ मैं भी इस बिजनेस का क्या हूँ, एक पार्टनर हूँ, वो क्या कहलाएगा, स्टोपल, होल्डिंग या डिस्पोजल पार्टनर। ये क्यों करते हैं हम लोग, ये करता है वो लोन लेने के लिए। सपोज किसी बिजनेस को लोन चाहिए बट उसके पास खुद की गुडविल अच्छी नहीं होती है, तो वो किसी से हेल्प लेता है और क्या बोलता है, आप में दूसरे बैंक में या फिर जो जिसे हमको लोन रिसीव करना है उसके सामने आप ये शो करें कि हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आप एग्जांपल लूँ, तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर ए बी पार्टनर हैं, बट इनकी गुडविल अच्छी नहीं है और इन्हें डी से लोन लेना है, तो डी इनको तो लोन देगा नहीं क्योंकि इनको ये जानता नहीं है और इनकी गुडविल अच्छी नहीं है, तो ये ए बी क्या करते हैं, सी से हेल्प लेते हैं। और सी क्या होता है, डी को जानता है, तो सी क्या बोलता है कि भाई ये ए बी और सी हम तीनों एक पार्टनर हैं, तो
तो डी क्या करता है, उसको लोन देने को एग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है सी को जो उस बिजनेस का पार्टनर है। और इन केस अगर यहाँ पर ए और बी कल को अगर पैसे देने में सपोज किसी कारण से वो पैसे नहीं दे पाते हैं, तो ये किस पे क्लेम करेगा? सी पे करेगा। तो यहाँ पर जो सी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया डी के सामने, यही कहलाता है होल्डिंग पार्टनर। आई होप क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड या फिर साइलेंट पार्टनर। क्या है लिमिटेड या साइलेंट पार्टनर, क्या बोलता है ये? चलिए इसके डिस्कस करते हैं। अ पार्टनर हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि वैसे बंदे जिनकी लाइबिलिटी उतनी ही है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है? वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? वो अनलिमिटेड होती है। बट लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जिन्होंने जितना पैसा लगाया है वही उनकी लिमिटेड होगी। तो इसे क्या बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनर भी बोलते हैं और साइलेंट पार्टनर भी बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे के सारे काम के थे और सारे के सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इन्हें नोट करते चलें ताकि आपको काम दे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो भी नए बंदे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।